अरे देशपांडे जी आइए ना, कोई खास काम था? सुरभि जी, मुंबई हेड ऑफिस से मेल आया था। मेल? कैसा मेल? नासिक बांध बंद करने का ऑर्डर है। हमारी ब्रांच क्यों बंद कर रहे हैं? ये हेड ऑफिस का फैसला है। मुंबई में कंपनी के बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स अटक गए। अब ऐसे हालात में जतिन सर इस प्रॉब्लम से कैसे उबर पाएंगे? मेरे पास मेल आया, मैंने सोचा आपको पर्सनली चलकर बता देता हूँ। चलता हूँ। इसका मतलब जतिन ने जो कहा वो मजाक नहीं, सच था। मामा, आपको नहीं लगता कि आपको जतिन की मदद करनी चाहिए? अपनी करेगी तो कब करेगी? आई नो मामा कि आप मुंबई नहीं जाना चाहती, पर हम जतिन को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? देखो मामा, मैं अपने नेक्स्ट 3 इयर्स अपने बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी, पर आप जतिन के लिए मुंबई चले जाओ ना। बेचारे के पास आपके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे आपकी जरूरत है। बस इतना ही ना? ठीक है। और कुछ तो? नो ताई, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी मैं बहुत छोटी हूँ पैसे के लिए। उसकी जगह मुझे कार्तिक मामू से बचाओ। ऑल टाइम हाथ धो के पीछे पड़ रहता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कार्तिक मामू। पर मेरे को तो हमेशा यही लगता था कि तू कार्तिक मामू को बहुत प्यार करती है, जब देखो उन्हीं के साथ चिपकी रहती है। आपको क्या लगता है, एक्टिंग सिर्फ आपको ही आती है? चिपकना पड़ता है ताई, वरना मैं जो चाहती हूँ वो देंगे भला कार्तिक मामू? कार्तिक मामू को मालूम पड़ेगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा, कितना प्यार करता है वो तेरे से। यही तो प्रॉब्लम है ताई, प्यार करता है तो क्या बच्चे की जान लेंगे? मैंने बोला था क्या प्यार करने के लिए? ये बाबा रे देवा, ये तुम बोले तुम मेरे फेंच गई है। आखिर अपना खून तो अपना ही चाहता है। क्या बात है, तेरे कोई कम मत की बात बताऊं मैं? मैना कार्तिक को मालूम क्या बोलती है? कार्तिया। अच्छा अभी एक और बात बता मेरे को, अभी कार्तिया का तो अपना कोई भी नहीं है ना, फिर उसके बाद ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये सब किसका होगा? और किसका? मेरा। अरे अकेली तेरा? हाँ। ये 50% वो रोहित को भी मिलेगा, वो भी तो कार्तिया का भांजा है ना। एक फूटी कौड़ी भी दे दूंगी मैं उसको। ओगो भाई, ऐसे नहीं बोलते रे बाबा, तेरा भाई है ना वो। मेरा अपना भाई थोड़ी ना है। अच्छा लेकिन वो सब बाद में देखेंगे, अभी एक बात सीरियसली बोलती है मैं। ये जो कुछ भी तेरे को मेरे बारे में मालूम पड़ा है ना, कार्तिया को नहीं पता चलना चाहिए। डील करनी है तो बोलिए, डील के बगैर किसी चीज की गारंटी नहीं रख सकती। चला ये तो मेरे से भी दो कदम आगे निकली है। मामा, आप जतिन के साथ मुंबई जा रहे हो क्या? नहीं। खुशी बेटा समझने की कोशिश करो। आप नहीं समझ रहे हो, बस बहुत हो गया। खुशी, 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 खुशी दरवाजा खोल, खुशी, खुशी दरवाजा खोलो बेटा। छोटू नो नाटक, चल बाहर निकल छोटू। नो वे, जब तक आप हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं निकलूंगी बाहर। खुशी जिद छोड़ दो, खुशी, खुशी। जिद मैं नहीं, आप कर रही है। खुशी दरवाजा खोलो, बात करते हैं ना। ना कोई बातें होगी, ना कोई दरवाजा खुलेगा, अब सिर्फ फूंकता है। ठीक है, तू दरवाजा खोल खुशी। मैं, तुमने मारा मेरी खुशी को, तुमने, तुम मेरी बच्ची के कातिल, तुम जरूर। मैं चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। मैं जाऊंगी मुंबई।
एक्सक्यूज मी, मैं जतिन मेहता, आपसे बात हुई थी मेरी? 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था आपने। आपको थोड़ा वेट करना होगा, सर अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। श्योर। सुरभि, प्रेजेंटेशन ठीक से तो बनाया है ना? कितनी बार पूछोगे जतिन, अच्छे से बनाए प्रेजेंटेशन, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। एक बार सुरभि, एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना तो हमारी सारी नुकसान भरपाई हो जाएगी। बस ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, एंड आई एम श्योर तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्लाइंट यही बोलेगा कि अगर काम देना है तो मेहता कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी को। आई एम श्योर। अच्छा वैसे मीटिंग कितने बजे की है? 9 बजे। और स्कूल की मीटिंग? 10:30। टेंशन क्यों ले रही हो, यहाँ हमारा बस 1 घंटे का काम है। स्कूल लंबा नहीं, यही पास में आधे घंटे की दूरी पर, हम पहुंच जाएंगे। वंडरफुल, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आपकी बेटी से, इसने तो हर क्लास हर सब्जेक्ट में टॉप किया है। वेरी नाइस। लेकिन ये बर्थ सर्टिफिकेट पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसके पिता का नाम नहीं है। देखिए, हमारे स्कूल का अच्छा खासा नाम है, बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल किसी भी वजह से, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं। मैम, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म सिर्फ उस बच्चे का नहीं होता, उस बच्चे के साथ साथ वो माँ भी एक नया जन्म लेती है। जब वो नवजात बच्चा रोता है ना तो उसके बाप को कुछ समझ नहीं आता। एक माँ ही होती है जो उस बच्चे के रोने की आवाज में कभी भूख, कभी गर्मी, कभी सर्दी की शिकायत सुनाई देती है। अपने बच्चे के लिए हर एक तकलीफ से गुजरती है एक माँ। देखिए, बच्चे की मौजूदगी में ये सब बात करना ठीक नहीं है। एक मिनट सुरभि जी। खुशी बेटा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? नहीं मैम, खुशी को बाहर मत भेजिए। आज जब खुशी के सामने बात छेड़ी गई है तो मैं सारी बातें खुशी के सामने करना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि उसके पापा कौन है, लेकिन अगर आज मैं उसे बाहर भेज दूंगी ना तो वो जिंदगी भर मुझे शक की निगाह से देखेगी। इसीलिए सवाल का जवाब मैं अपनी बेटी के सामने देना चाहती हूं। पापा तो है मेरी बेटी के, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसे उसके बाप का नाम दूं, क्योंकि मैं और मेरे पति अलग हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात पर यकीन रखती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप का नाम मिले, जरूरी सिर्फ इतना है कि उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिले। थैंक यू सुरभि जी, और मैंने जो आपसे भी ये सवाल किया ना उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे गर्व है कि आप जैसी सोच वाली माँ की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी। समझिए कि खुशी का एडमिशन हो गया है। थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो कार्तिक, मैं सुरभि बोल रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कार्तिक।